वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल वीके ग्लोरी इंग्लिश. लेट्स सी द चैप्टर नंबर 6 ऑफ बिहार बोर्ड रेनबो 2 फॉर इंटरमीडिएट आर साइंस एंड कॉमर्स. वी आर नाउ इन चैप्टर नंबर 6. द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय सिगा नायोया, ए जैपनीज राइटर. आप सबको पहले रक्षाबंधन का ढेर सारी शुभकामनाएं. ऐसे ही आप भाई बहन का प्यार बनाए रखें और बहन के विश्वास को ना तोड़ें. हर बहनों को सुरक्षा प्रदान करें. चलिए तो शुरू किया जाए जी. सबको हैप्पी रक्षाबंधन. शुरू किया जाए ये चैप्टर. आज लगता है कम लोग जुड़ने वाले हैं क्या, कहीं रक्षाबंधन में ज्यादा कहीं इधर उधर तो नहीं गए. लेट अस स्टार्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी इसको आप बोलेंगे, ठीक है ना. ये क्वेश्चन आता है द आर्टिस्ट क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी. सिगा नायोया बोर्न इन 1883 एंड डाइड इन 1971 इज ए सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी. सिगा नायोया की बात करें तो वो, उनका जन्म 1883 में और मृत्यु 1971 में हुआ. सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब, चलिए अनूप कुमार, राहुल राज, शोभा कुमारी, सबको गुड इवनिंग और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं. तो इज ए सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर. क्या थे सिगा नायोया, तो एक सेलिब्रेटेड मतलब प्रसिद्ध जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. जापान के एक लघु कहानीकार थे. कैमी शताब्दी के, 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के एक महान जापानीज कहानीकार सिगा नायोया. ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर. उन्होंने बहुत ही संवेदनात्मक तरीके से वहां के अपने लोगों और उनके संस्कृति के बारे में, उनके कल्चर के बारे में बहुत ही संवेदनशील तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से चित्रण किया है, वर्णन किया है. द आर्टिस्ट अनफ्लर्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय. द आर्टिस्ट जो है अनफ्लर, उजागर करता है, प्रकट करता है. बिफोर अस, यहाँ बिफोर का मतलब क्या होगा, के सामने आप लिख सकते हैं. तो कहता है कि द आर्टिस्ट जो चैप्टर है वो हम लोगों के सामने अनफ्लर्स करता है, प्रकट करता है क्या. तो कहता है द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंट जापानीज बॉय, एक जापानीज बॉय, टैलेंटेड, एक योग, एक प्रतिभावान जापानीज बॉय की दुनिया के बारे में वर्णन करता है, उनकी जिंदगी के बारे में वर्णन करता है, जिसका नाम क्या है, सेइबे. इंपॉर्टेंट, ये पूरा इर्द गिर्द इसी के इर्द गिर्द, सेइबे. बहुत लोग सेइबे कह के इसको याद करते हैं, मजाक के सेंस में सेइबे वो लोग बोल लेता है, सेइबे. कहता है इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कजेस डैमेज टू सच टैलेंट्स. कहता है इट शोज, ये शोज कर दिखाता है कि कैसे ये जो एडल्ट वर्ड है, यानी हमारे नौजवान है, यानी हमारे जो गार्जियन स्वरूप है, हमारे वयस्क लोग हैं, वो कैसे डैमेज करते हैं, कॉजेस डैमेज टू सच टैलेंट. इतना प्रतिभावान, ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को, ऐसे प्रतिभाशाली जैसे वे, जैसे प्रतिभाशाली लड़कों को कैसे हमारी हमारी जो वयस्क पीढ़ी है, कैसे उनकी जिंदगी को डैमेज करती है, कैसे बर्बाद करती है. यानी ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार स्टोरी है. चलिए आपको भी गुड इवनिंग राखी अग्रवाल. तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो दिखाता है, मैं शॉर्ट में पहले दो मिनट में पूरे स्टोरी को समराइज कर देता हूँ. इसमें क्या है, सेइबे नाम का एक लड़का है और वो पेंटिंग करता है कद्दुओं पर, और कद्दुओं को बहुत ही शानदार बनाता है, उस पर बहुत ज्यादा डिजाइन तैयार करता है, उसके उस पर कलाकारी दिखा के उसको बहुत अनोखा और मूल्यवान बनाता है, विचित्र और मूल्यवान बनाता है. लेकिन इनके जो माता पिता और शिक्षक हैं, यानी वयस्क लोग जो हैं, अक्सर आप देखे होंगे कि बच्चों को खेलने नहीं देते, उनको नाचने नहीं देते, गाने नहीं देते. अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर बात किया जाए तो माँ बाप जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खेल कूद कर क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे. इसलिए खेलने से, वो खेलने कूदने नाचने गाने से रोकते हैं, केवल पढ़ाई पर वो फोकस करते हैं. तो बहुत, यदि कल्पना कीजिए कि आप यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपके पिता जो है आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो बताइए आपको पढ़ाई में मन लगेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कतई नहीं लगेगा. आप जब भी
आप एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहते हैं, यदि डॉक्टरी में आपको पिता जो है और माता पिता और जो आसपास का माहौल है यदि आपको मदद करता है, तो आप बहुत जल्दी एक अच्छा डॉक्टर बन जाए, आपका इंटरेस्ट है। लेकिन इंजीनियरिंग में आपको माता पिता जबरन आपको धकेलते हैं, जबरन उसमें दाखिला दिलवाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देखते होंगे खुद प्रैक्टिकल करके कि जब कोई काम आप करते हैं इंटरेस्ट के खिलाफ, आपका इंटरेस्ट नहीं हो, तो देखते होंगे कि दबाव में तो कुछ देर करते हैं, लेकिन जैसे ही देखते होंगे कि माता पिता गायब हो जाते हैं, तो आप उस काम को नहीं करते, करने में मन नहीं लगता है। और वही काम जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपके माता पिता भी सपोर्ट करें, तो आप बहुत अच्छी उसमें बहुत जल्दी सक्सेस हो जाइएगा। इसलिए हर माँ बाप का फर्ज होना चाहिए कि अपने बाल बच्चों के इंटरेस्ट को समझे और उसमें सपोर्ट करे, तब बच्चा जो है वो बहुत जल्द सक्सेस होगा। लेकिन यहाँ देखते हैं, आइए इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे उनके माता पिता और शिक्षक जो हैं एक शानदार टैलेंटेड बॉय सही बी के लाइफ को कैसे बर्बाद करते हैं, कैसे वयस्क लोग बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। अक्सर लोग कहा करता है माता पिता जो है दुश्मन नहीं होता है, लेकिन इस कहानी को पढ़ के आपको पता चलेगा कि माँ बाप सही से बाल बच्चों को जज नहीं कर पाते हैं और अपने इच्छा पूरा करने के लिए अपने बाल बच्चों की लाइफ बर्बाद करते हैं। आइए देखा जाए, पहला पैराग्राफ को देखते हैं। करे सेबेई पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गॉड्स। सेबेई के माता पिता को ये पता था, पेरेंट्स न्यू, ये जानते थे कि वो अक्सर, ही का मतलब सेबेई, सेबेई अक्सर जो है वो खुद क्या, गॉड्स मीन्स कद्दू, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, कद्दू को बाई करने जाता, खरीदने जाता था। ही गॉट देम फॉर ए फ्यू सेन, वो कुछ सेन में खरीदता था। सेन क्या है, तो जापान, जापानीज करेंसी, जापान की मुद्रा का इकाई भाग को क्या बोलते हैं, सेन। जैसे हमारे पास रुपया होता है और रुपया के इकाई भाग को पैसा बोलते हैं, इन द सेम वे येन की इकाई भाग को सेन बोलते हैं। तो कहता है कि वो कुछ सेन में कद्दू को खरीदता, एंड सून हैड ए साइजेबल कलेक्शन, और उसको एक अनोखा आकार दे देता, उस पर कलाकारी करता। वेन ही केम होम, जब से वही घर आता था, ही वुड फर्स्ट बोर ए नीट होल इन द टॉप ऑफ द गॉड्स, तो सबसे पहले कद्दू के ऊपर एक क्या करता था, होल करता, एंड एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट द सीड, और बिजली को निकालता। तो यहां पे कहा जा रहा है कि सेई बेई जो है वो कद्दू को खरीदता, उसके ऊपर एक छिद्र करता, होल करता, और उसको क्या करता है, कद्दू के ऊपर, देख रहे हैं, टॉप ऑफ द गॉड्स, कद्दू के ऊपर होल करता, छिद्र करता, ये अंडरलाइन कर लीजिए, और एक्सट्रैक्ट द सीड, और बिजली बीज को निकालता, छिद्र करके ऊपर से, और फिर बीज को निकाल देता था कद्दू में से। नेक्स्ट ही अप्लाइड टेलिप्स टू गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट गॉड्स स्मेल। गेट रीड ऑफ मुहावरा है छुटकारा पाना, गॉट गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। तो कहता है कि उसके बाद छिद्र करके बीज निकालने के बाद वो चाय की पत्ती, टी लिप्स को उस पर अप्लाई करता, किस लिए, ताकि कद्दू में से अनप्लीजेंट यानी बदबू जो है, जो दुर्गंध है, वो खत्म हो जाए। तो कद्दू के दुर्गंध को हटाने के लिए वो कद्दूओं पर किसका, तो टी लिप्स, अंडरलाइन कर लिए इसको, टी लिप्स का यानी चाय की पत्ती का लेप चढ़ाता था। कहता है एंड केयर ही देन फेच्ड द सेक विद ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रेक्स इन हिज फादर्स कप। यहाँ पे सेक का मतलब क्या होता है, बू, आप देखते होंगे बहुत सारा मैंगो से, बनाना से, ये यानी उसका टेक्निकल ज्ञान, चलिए आपको भी वेलकम है मेरे इस चैनल पे। तो कह रहा है कि वो सेक, यहाँ पे सेक का मतलब होगा उनके पिता, देखिए आगे लिखा भी है, ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रेक्स ऑफ हिज फादर्स कप, अपने पिता के प्याले में से जो बचा कुचा शराब की बूंदे होती उसको फिर उस पर अप्लाई करता है। केयरफुली पॉलिश द सरफेस, किस पर, चाय पत्ती जिस पर लगाता था कद्दू के ऊपर, उसके ऊपर फिर क्या करता, तो सेक लगा देता, अपने पिता के गिलास में से जो शराब की बूंदे बचती उससे पॉलिश करता उसको। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बिल्कुल छोड़कर मत, और बहुत आज लोग सीधे आधा लोग जुड़े हैं क्या, रक्षाबंधन में सारे लोग व्यस्त हो गए, सामने भाई त्योहार, ये सब बहानेबाजी मत करो। सेबे वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, सेबे जो है पैशनेट, ये अंडरलाइन कर लो ये, ठीक है ना, ये आपको आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सेबे जो है वो
पैशनेटली मतलब डीपली गहरे दिल से इंटरेस्टेड इन गॉड्स। सही भाई का इंटरेस्टेड चीज क्या था? गॉड्स। ये क्वेश्चन आता है ठीक। गॉड्स मीन्स कद्दू। वन डे एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग अलोंग द बीच। बीच का मतलब क्या होता है? समुद्री किनारा। यहां बीच का मतलब समुद्री किनारा। कहता है वन डे, एक दिन, एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग, जैसा कि वो भटक रहा था, घूम फिर रहा था, अलोंग द बीच, किसके किनारे? अलोंग मीन्स के किनारे, द बीच समुद्र के किनारे। ऑब्जर्व्ड हिज फेवरेट सब्जेक्ट, किसकी तलाश में क्या कर रहा था? फेवरेट सब्जेक्ट की तलाश कर रहा था। उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? तो आपको ऊपर मैंने अंडरलाइन करवाया, गॉड्स। ही वॉज स्टार्टल्ड बाई अनयूजुअल साइट। वो जो है वो स्टार्टल्ड हो गया, चकित हो गया, एक आकस्मिक दृश्य को देखकर, अचानक एक दृश्य को देख करके वो काफी चकित हो गया। क्या? ही कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द बाल्ड, एक गंजे की झलक उसने देखी। ग्लिम्स मीन्स झलक। उसके नजर में एक गंजे की एक झलक देखी। इंग लॉन्ग हेड ऑफ एन ओल्ड मैन हरिड आउट ऑफ वन ऑफ द हट्स बाय द बीच। समुद्र के किनारे जो झोपड़ियां थी, उस झोपड़ियों में से किसी एक झोपड़ी में से एक बूढ़ा आदमी, वो कैसा बाल? बाल्ड मतलब टकला, जिसके सिर पे बाल ना हो, गंजा। तो एक गंजा आदमी, एक बूढ़ा गंजा आदमी, जिसके जो हेड था वो थोड़ा लंबा था, सिर जो था वो थोड़ा लंबा था, उसको निकलते हुए ये देखता है। सही भाई, समुद्र के किनारे जो झोपड़ियां हैं उसमें से एक बूढ़ा जो है, जिसकी सर पे बाल नहीं है और सिर लंबा है, उसको बहुत तेजी से, हरिड, जल्दी से, तेजी से झोपड़ी से बाहर निकलते हुए देखता है। और इनके ध्यान में क्या रहता है? कद्दू, कद्दू, हमेशा ये कद्दू ढूंढ रहे हैं। तो उस बूढ़े आदमी को जो गंजा है और लंबा सिर, उसको देख के पहले दृश्य में ये क्या बोलता है? व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड्स, अरे वाह क्या कद्दू है। देख रहे हैं ना, यानी वो टकले को, वो गंजे बूढ़े व्यक्ति को ये नहीं समझ पाया, इसकी ध्यान में हमेशा कद्दू था, तो इसलिए उस बूढ़े आदमी को भी क्या समझ लिया? कद्दू समझ लिया। सही भाई, क्या थॉट? सही भाई, सही सही भाई ने क्या सोचा कि कितना शानदार कद्दू है। किसको कद्दू समझ लिया? उस गंजे बूढ़े को। द ओल्ड मैन डिसअपीयर्ड, फिर इतना देर में ही वो बूढ़ा आदमी जो है वो गायब हो गया। कहता है फ्रॉम द साइट, उस दृश्य से बूढ़ा आदमी जो है अचानक गायब हो गया। वैगिंग हिज बाल्ड पाइन पेट, वैगिंग में सिलाते हुए, हिज बाल्ड पाइन पेट, कहता पेट मींस क्या होता है? सिर। देख रहे हैं ना, मैंने बीच मींस क्या बताया? तो बीच में बता, बीच मींस बताया समुद्री किनारा, और पेट मींस क्या बता रहा है? सिर। इसी पर एक मुझे जोक्स याद आ रहा है, किसी हास्य कवि ने ठीक ही कहा है कि क्या जमाना आ गया है कि बीच का मतलब किनारा होने लगा और पेट का मतलब सिर होने लगा है। बात मेरी समझ में आया होगा तो आपको मजा भी आया होगा कि क्या जमाना आ गया है कि बीच को किनारा कहने लगे हैं और पेट को सिर कहने लगे। इसी वर्ड, पेट मींस क्या होता है? सिर। और बीच मींस में क्या बताया? समुद्री किनारा। तो समुद्र क्या करता है? अपना सिर को, अपने गंजे सिर को हिलाते हुए जाता है। ओनली देन डिड सेई बे रियलाइज हिज मिस्टेक, तब सेई बेई को अपना मिस्टेक, ये वाले अंडरलाइन कर लीजिएगा, तब सेई बेई अपना मिस्टेक को रियलाइज करता है, महसूस करता है। ही स्टूड देयर लाफिंग लॉर्डली टू हिमसेल्फ, खुद पे जोर जोर से ठहाका लगा के हंसने लगता है। ही लाफ्ड ऑल द वे, और घर, ऑल द वे होम, वो कहता है घर तक हंसते हंसते जाता है। कब? जब इसको महसूस होता, अरे यार वो आदमी, वो क्या, वो आदमी था, कद्दू नहीं था, वो आदमी था। ये जब वो उसको पता चलता है कि मैंने गलत समझ लिया, उस गंजे को, बूढ़े व्यक्ति को मैंने कद्दू समझ लिया, जब ये बात उनको महसूस होता है सही भाई को, तो रास्ता में क्या करता है? हंसते हंसते चला जाता है, महसूस करता है जब अपनी गलती। पैरा थ्री में देखें, व्हेनेवर ही पास्ड ए ग्रोसरी, ए क्यूरियस शॉप, ए कॉन्फेक्शनर्स, और इन फैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स, He stood for minutes on end, his eyes glued to the window, appraising the freshest fruit. कह रहा है कि जब भी, whenever मतलब क्या होता है? जब भी वह एक ग्रोसरी से गुजरता, ग्रोसरी मतलब आपको पता होगा पंसारी की दुकान, किराना दुकान, खिचड़ी पड़ोस की दुकान, जो भी कह लें आप,
तो जब भी वो किराने दुकान के पास से गुजरता, या क्यूरियो शॉप भीड़ भड़ाके वाले दुकान से गुजरता, या कॉन्फेंसनर, कॉन्फेंसनर मतलब होता है हलवाई वाला, हलवाई वाला के पास से भी गुजरता, तो कहता है कि इनफैक्ट एनी प्लेस द सोल्ड गॉड, चाहे कोई भी वैसी जगह जहां कद्दू बेची जाती उस जगह से गुजरता, तो ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, तो उसके किनारे पर क्या करता है, कुछ देर कुछ मिनट्स ठहर जाता। हिज आई ग्लूड टू विंडो अप्रेसिंग द प्रीशियस फ्रूट, और अपने कीमती फल, इनका कीमती फल किनको कहा जा रहा है, तो कद्दू को, तो कहता है अपने कीमती फल को अप्रेसिंग, प्रशंसा करते हुए खिड़की से आईज ग्लूड लगातार देखते रहता, निहारते रहता कि क्या कद्दू है, कहाँ पे कद्दू है, यानी कद इसकी नजर में, इसकी नजर हमेशा ढूंढती थी किसको, कद्दू की, क्योंकि इनका प्यार था किनसे, कद्दूओं से, कद्दूओं से इनको प्यार था। आप याद रखिएगा, ग्रोसरी मिस मैंने क्या बताया, हलवाई, क्यूरियो शॉप मिस क्या बताया, भीड़ भड़ाका वाला दुकान, कन्फेशनर मिस हलवाई। तो जब भी इन दुकानों से गुजरता तो वो क्या करता, तो 1 मिनट ठहरता और टक टक की लगा के खिड़की के माध्यम से देखता अपने कीमती फल को। सेव ए वाज 12 ईयर, अंडरलाइन कर ले, भी आई, सेव ए वाज 12 ईयर्स ओल्ड एंड आर स्टिल एट ए प्राइमरी स्कूल। सेव ए 12 साल का लड़का था और अभी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। याद रखिएगा, 12 साल का लड़का था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, कौन, सेव ए, ठीक है। कहता है आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय, यानी दूसरे बच्चों के साथ ही खेलता नहीं था छुट्टी होने पर, ही यूजली वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, शहर में घूमने फिरने लगता, लुकिंग फॉर, लुक फॉर मतलब तलाश करना, किसकी तलाश में, तो कद्दूओं की तलाश में, यानी सारे बच्चे घर आ जाते हैं स्कूल से, तो ये स्कूल से सीधा क्या करता, बाजार टाउन में जाकर कद्दू को ढूंढने लगता। देन इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट। कहता है तब वह जो है वो क्रॉस लेग, समझते हैं, आसन मोड़ कर बैठ जाता है किसमें, लिविंग रूम, अपने जिस रूम में वो रहता था उसके उस रूम के कॉर्नर में, कोने में बैठ जाता, और वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, जो नया नया फल खरीदता, कौन, नया फल की बात कर रहे हैं, गॉड्स ना, कद्दू की बात कर रहे हैं, जो कद्दू खरीदता उस पर वर्किंग यानी काम करना शुरू करता। वेन ही हैड फिनिश ट्रीटिंग इट, जब वो इस पर अपना ट्रीट, अपना काम पूरा कर लेता, ही पॉर्ड इन अ लिटिल शेक, तो उस पर पौर करता, छिड़कता, क्या उस पर किसका लेप चढ़ाता था, तो शेक मीन्स मैंने बताया कि उसके पिता के शराब में से बची हुई बूंदे, ग्लास में जो बची हुई बूंद होती है उसका लेप चढ़ाता। इंसर्टेड क्रॉक स्टॉपर व्हिच ही हैड फैशन्ड हिमसेल्फ, वो क्या करता है, इंसर्टेड एक लगाता, कॉर्क लगाता, कॉर्क मतलब समझते होंगे ढक्कन, ठेपी, तो एक ऊपर में जहां छिद्र किया था ना बीज निकालने के लिए, कद्दू के ऊपर एक बीज निकालने के लिए छिद्र बनाया था जहां से वो बीज निकालता था, उसके ऊपर एक कॉर्क लगा देता था, एक कैप लगा देता था, एक ढक्कन लगा देता था, जो खुद उन्होंने इस फैशन को तैयार किया था, इसका वो अंदाज था, फैशन था। रैवड इन ए टॉवेल, उसके बाद इतना कर लेने के बाद वो एक तौलिए में, एक टॉवेल में, एक कपड़ा में उसको लपेटता, पुट दिस इन ए टीन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, और उसके बाद एक टीन में कर, टीन समझते होंगे, एक टिन में करके उसको लपेट करके, किसमें, टावेल में लपेट करके, टिन में करके रख देता। फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, किस पे, तो चारकोल फुट वार्मर पे, फुट वार्मर मतलब पैर गर्म करने वाला, आप लोग चारकोल का इस्तेमाल करते हो कोयले को जला करके, कोयले के जलने के बाद जो बचता है फिर से उसको जलाया जाता है, वो चारकोल होता है, तो चारकोल पर बहुत कम वो कह सकते हैं लौ होता है, बहुत कम लौ होता है उसपे, लौ की जो ये स्पीड होती है, उसकी जो वार्म होती है, गर्मी होती है, थोड़ा कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, तो उसी पर क्या करता, उस टीन को रख देता। देन ही वेंट टू बेड, तब जाकर वो सोता, वेंट टू बेड, सोने के लिए जाता था, यानी इतना कर्म करता था वो, कद्दू को फिनिश करता था पहले, सोने से पहले, देखिए कितना प्यार था कद्दू से। एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, ज्यों ही वो अगले सुबह उठता, ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गॉड्स, सबसे पहले वो टीन को खोलता और जांच करता, किसको,
गॉड को, कद्दू को, जिसको रात में ट्रीट करके रखा था, जिस पर काम करके रखा था, उसको देखता। द स्किन वुड बी थ्रोली डैम फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट। ओवरनाइट ट्रीटमेंट, रात्रि के काम से, रात्रि के इलाज से वो जो कद्दू था, कद्दू का स्किन जो था वो डैम्प हो जाता था, थोड़ा सा सूज जाता था, सिकुड़ जाता था, रिंकल्स आ जाते थे, झुरियां आ जाती थी उस पे। से वे वुड गेज अडॉर्निंग एट हिज ट्रीटिंग इट ऑन द सन टू ड्राई। कह रहा है कि सही भाई जो है वो बड़ी आसान, बड़ी ही गहराई से इसको देखता और अपने खजाने को कब उसको धागा में स्ट्रिंग राउंड द मिडिल, कहता है बीच में गोल करके, गोलाकार रूप से एक स्ट्रिंग भाग बांधता, धागा बांधता और उसको फिर सन टू ड्राई, धूप में ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए हैंग कर देता, टांग देता, लटका देता था। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल। ये मुहावरा याद रखेगा, सेट आउट का मतलब क्या होता है, सेट आउट का मतलब रवाना होना। तब वो स्कूल के लिए जाता था, इतना काम करता था सुबह उठ करके, उसके बाद वो स्कूल जाता था। सोचिए कद्दूओं से कितना प्रेम था उसे। पैराग्राफ सिक्स को देखें, कहता है सही भाई लिव्ड इन हार्बर टाउन। अंडरलाइन कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन आने वाला है, आपसे पूछा जाएगा। सही भाई कैसा टाउन में रहता था, तो हार्बर टाउन में रहता था, बंदरगाह में रहता था। Although it was officially a city, यद्यपि यह एक सिटी था, नगर था। हार्बर, हार्बर मतलब जहां समुद्री जहाज आकर के रुकते हैं, नाव आकर के रुकते हैं, उसको हार्बर बोला जाता है, बंदरगाह बोला जाता है। कहता है one could walk from one end to the other in a matter of 20 minutes। कोई भी व्यक्ति इस नगर को, इस शहर को 20 मिनट में बड़ी आराम से एक किनारे से दूसरे किनारे पार कर जाता। कोई भी व्यक्ति यदि जाना चाहता था, कोई भी व्यक्ति यदि दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में पार करता, लेकिन इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता था। ये आपको पता होगा क्योंकि वो कद्दूओं को निहारते रहता था, कद्दूओं को ढूंढते रहता था, इसलिए इसका ज्यादा टाइम लगता था, ये इधर उधर देखने में टाइम गवा देता था। सेवे वाज ऑलवेज वांडरिंग अबाउट द स्ट्रीट। सेवे हमेशा गलियों में, स्ट्रीट मीन्स क्या होता है, गलियों में वांडर करते रहता था, हमेशा भटकते रहता था। Had soon come to know every place, और बहुत जल्द ही वो एवरी प्लेस, जगह जगह, चप्पे चप्पे जान गया था। दैट सोल्ड गॉड्स, जहां कद्दू बेचे जाते थे, हर उस जगह को जान गया था जिस जगह पे कद्दू बेचे जाते थे। टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट, लगभग बाजार के हर कद्दू को रिकॉग्नाइज करता था, पहचानता था वो, इतना कद्दू को देख लेता था, हर कद्दू को लगभग वो टच किया करता था, यानी पूरे मार्केट का कद्दू वो छूता था, उसको निहारता था, देखता था। पैरा सेवन को देखें, कहता है ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड नारलैंड। नारलैंड कहता है नारलेट पेकुलियर फॉर्म गॉड्स यूजली फेवरेबल बाय कलेक्टर्स। कहता है ही डिड नॉट केयर, वो ज्यादा ध्यान नहीं देता किसके, तो ओल्ड कद्दू पे, पुराने कद्दू पर, बूढ़ा कद्दू पर ध्यान नहीं देता। टेढ़े मेढ़े कद्दूओं पर ध्यान नहीं देता, थोड़ा सा उसको बोल सकते हैं मोटा, थोड़ा भद्दा किस्म के कद्दू पर वो ध्यान नहीं देता। पेकुलियर फॉर्म्ड गॉड्स यूजली फेवरेबल बाय द कलेक्टर। पेकुलियर फॉर्म्ड, फॉर्म में स्वरूप, अनोखे तरीके का जो गॉड्स होता था वो इसका फेवरेबल था, फेवरेट यानी ज्यादा फेवर्ड करता था, यानी इसको पसंद। कैसा कद्दू था, तो कुछ अनोखा, कुछ विचित्र कद्दू यदि मार्केट में आ जाए तो इसको बहुत ज्यादा पसंद था। The type that appealed to Seibei was even and symmetrical. कहता है जिस तरह की वो कद्दू को पसंद करता था Seibei, वो यहाँ तक कि symmetrical, एक शानदार तरीके का, एक विचित्र तरीके की कद्दू उनको ज्यादा पसंद था। That youngster of yours only seems to like ordinary looking ones, said a friend of his father, who had come to call. कहता है सही भाई के एक पिता का एक दोस्त आया था, सही भाई के फ्रेंड ऑफ हिज फादर, कह रहा ना सही भाई के पिता का एक दोस्त जो क्या करने आया था, हु हैड कम टू कॉल, जो उनको बुलाने आया था, सही भाई के पिता को बुलाने आया था। तो सही भाई के पिता का दोस्त जो उनके पिता को बुलाने आया था, वो लुकिंग, कहता है सही भाई को देख कर बोलता है कि ये यंगस्टर आपका है, ये लड़का आपका है। कहता है सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी, एकदम सिंपल लगता है, बहुत साधारण बच्चा है। ऐसा कौन बोले, तो सेवे के पिता के दोस्त, किनसे, सेवे के पिता से।
ही पॉइंटेड एट द बॉय, किसकी तरफ इशारा करते हुए निर्देशित करते हुए, लड़के की तरफ। हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर, जो कहां बैठा हुआ था बच्चा, कोना में। बिजली पॉलिशिंग ए प्लान, सॉरी प्लेन अराउंड गॉड्स, एक प्लेन समतल और एक राउंड गोलाकार कद्दू को वो पॉलिश कर रहा था, बिजी था पॉलिश करने में कोना में बैठ करके। तो उसकी तरफ इशारा करते हुए उनके पिता के दोस्त ने बोला कि बहुत सिंपल बच्चा है। पैराग्राफ 9 को देखे, फैंसी लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स, सेड हिज फादर गिविंग सेबी अ डिसगस्टेड लुक। सेबी को एकदम घृणा, डिसगस्टेड लुक, घृणा भरी नजरों से देखते हुए बोलता है कि लैड मिस लड़का, ये लड़का जो है स्पेंडिंग हिज टाइम, अपना समय बर्बाद करता है किसमें, इस तरह की कदुओं पर काम करने में समय बिताता है, लड़का है ये, लड़का क्या है कदुओं पर से अपना टाइम वेस्ट करता है, ऐसा एकदम घिनौनी नजर से ये बात बोला। सी हेयर सेबे माई लैड, कहता है इधर देखिए, हेयर मीन्स इधर, इधर देखिए सेबे माई लैड मेरा बच्चा, सेड द फ्रेंड, से कौन बोलता है, उसके पिता के फ्रेंड ने बोला, देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोस थिंग्स, उस तरह की चीजों को ज्यादा कलेक्ट करना कोई फायदेमंद चीज नहीं है, नो यूज, बेकार है इस तरह की चीजें जो है वो इकट्ठा करना बेकार फालतू है। इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट, और यू नो आपको पता है ये इतनी संख्या में कदुओं को ऐसा डिजाइन करके रखा है कि आप गिन भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा, नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट, इतना क्वांटिटी कि आप काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत। व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल्स, अरे आप एक दो यदि अनयूजुअल मिल जाता है तो बात कुछ और है, यानी एक दो अनयूजुअल होना चाहिए, एक दो बनाता अनयूजुअल था लेकिन ये बहुत सारा बना करके रखा है। आई प्रेफर दिस काइंड, सेड सेबे एंड लेट द मैटर ऑफ, सेबे कहता है प्रेफर मींस पसंद करना, मुझे इस तरह के कद्दू पसंद है, सेबे ने बोला, अरे लेट द मैटर ऑफ, बात खत्म कीजिए ना। सेबे बोलता है किससे, उसके पिता, उसके पापा के पिता और पापा से। सेबे इज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स, सेबे के पिता और उसके दोस्त जो हैं वो कद्दू के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। रिमेंबर दैट बेकिंग गॉड्स दे आर एट एग्रीकल्चर सो लास्ट स्प्रिंग, सेड हिज फादर, कहता है उसके पिता ने बोला, क्यों जी आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्या, बस थोड़ा सा है आज, उसके बाद कल करूंगा, क्यों भाग रहे हैं आप लोग, पता नहीं आज कम लोग जुड़े क्यों, कल डिस्टर्ब हुआ था इसलिए आज देखो तो अभी तक एक बार भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये बातें आपको समझनी होगी। कहता है सही भाई के पिता जो हैं वो कहते हैं कि याद है ना बेकिंग वाला गॉड, अंडरलाइन कर लीजिए, बेकिंग गॉड्स एग्रीकल्चर शो में जो पिछला स्प्रिंग में दिखाया गया था, कितना शानदार था वो कद्दू, इट वॉज ए रियली ब्यूटी वॉजंट इट, बहुत सुंदर था ना। Yes, I remember. हाँ, मुझे याद है that big long one, वो बड़ा वाला, अच्छा वो लंबा वाला ना, वो ऐसा करके क्या करता है, याद दिलाता है इसके पिता। देखिए बस यहां तक आज पढ़ाऊंगा पैरा 18 तक, फिर उसके बाद कल के लेक्चर में। As Seibei listened to their conversation, जैसा Seibei जो है उनके conversation सुन रहा था, अपने पिता और पिता के दोस्त का बातचीत सुन रहा था, he was laughing inwardly, मन ही मन वो हंस रहा था, चर्चा सुनकर बहुत मजा आ रहा था उसको। The baking gods had made a quite a stir at the time, उस समय baking वाला जो कद्दू है गॉड है वो stir मचा दिया था, तहलका मचा दिया था। बट वेन ही हैड गॉन टू सी इट, लेकिन जब वो इसको देखने गए थे, हैविंग नो आइडिया ऑफ कोर्स हु बेकिंग माइट बी, लेकिन उस समय इन लोगों को कोई आइडिया नहीं था, ही हैड फाउंड इट रादर ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, कहता वो इसको स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, बिल्कुल भद्दा चीज समझ बैठे थे, एंड हैड वॉक आउट ऑफ द शो, और शो से बाहर निकल गए थे उनके पिता। आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, इंटरप्टेड सेबे, इट वॉज जस्ट ए क्लाम सीग्रेट थिंग्स, सेबे इंटरप्टेड सेबे, सेबे जो है बीच में बोलता है, उनके पिता और उनके पिता के दोस्त जब बात करते हैं उन्हीं के बीच में बोलता है, आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, बस ये तो
एक टेढ़ा मोटा वस्तुएं थी। हिज फादर ऑफ पेड हिज आइड बॉर्ड इन सरप्राइज एंग। उसके पिता जो हैं वो अपनी आंखें चौड़ी कर देते हैं आश्चर्य में और गुस्सा में, यानी गुस्से भरी निगाहों से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आंख फाड़ के देखते हैं अपने बेटे की ओर। व्हाट इज दैट, क्या है वो? सुटेड वो चिल्ला के बोलते हैं, क्या है? When you don't know what you are talking about, you would better shut up. जब तुमको पता नहीं है कि क्या बात करना है, किसके बारे में बातचीत हो रहा है, तो बेहतर होता कि तुम चुप रहते। सेबे did not say another word. सेबे एक शब्द भी नहीं बोला, दूसरा शब्द भी नहीं बोला। उसके पिता जो डांटे, ठीक है? तो आज भाई बहुत कम लोग जुड़े हैं, कल इसका लेक्चर टू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत शानदार होने वाला। अभी से ही आपको टर्निंग मजा आ रहा होगा कि टर्न किधर की ओर ये स्टोरी कर रहा है। तो कल इसको मैं कंप्लीट करूंगा, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक एक बार फिर से मैं आपको रक्षाबंधन की एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूं। मिलते हैं कल, गुड नाइट, बाय बाय, हैव ए नाइस नाइट।